भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं, 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को MLA है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था, बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में उनका MP घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के राज्य पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना यह चाहिए था कि क्या समझौता हो गया, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई, कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई TMC बिहार में आकर एक सीट भी देंगे, वो हमको हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा, 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं, और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है। तो 2 जीरो को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा। अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है, ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा, अब आप बंगाल उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए, कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन उनका बीत जाएगा, 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का ना हो तो उसको नौकरी ना मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के ना हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में, जरा हमको बता दीजिए आप।